हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल सा चैनल रीडिंग मानिया। इफ यू आर न्यू इन माय चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर माय वीडियोस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 11। दिस इज आवर पार्ट 8 वीडियो। अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ये देखने से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो हम पहले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे? पहले वीडियो में हम पढ़े थे साइन ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। तो ये बी को हम अगर ए के रूप ए के तरह लेंगे तो कितने कैसे होगा? तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं लेट बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे कैसे होगा, साइन ए प्लस बी नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, तो साइन ए प्लस ए होगा। तो यहाँ पे फिर फॉर्मूला में क्या होगा, ये बी और बी के जगह ए ए पुट हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा हमारा। तो ये दो ठो ए है तो दोनों को मिला के कितना होगा, टू ए होगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं साइन टू ए इक्वल टू, यहाँ पे कितना होगा, साइन ए दो ठो है, फिर कॉसे कॉसे भी दो ठो है, तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख देते हैं हम, टू साइन ए इंटू कॉसे, ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला हो गया साइन का, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे वन लिख देते हैं, फिर हम कॉस का ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये आप लोग लिख चुके हैं, मैं मिटा देता हूँ अभी। कॉस का फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, तो कॉस का हमने क्या पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे प्लस साइन है तो वहाँ पे कौन सा साइन होगा, उसका इनवर्स साइन होगा, हमने पहले पढ़ चुके हैं वो वाला, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। तो यहाँ पे भी हम अगर बी को ए लेंगे, यहाँ पे ए सॉरी बी इक्वल टू ए लेंगे, बी इक्वल टू ए लेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, बी के जगह में हम ए पुट कर देंगे, तो कॉस ए प्लस ए इक्वल टू, यहाँ पे भी जो बी बी है यहाँ पे ए ए पुट करेंगे हम, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो यहाँ पे फिर कैसे होगा, दो टू ए है तो टू ए हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू इंटू है तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे कैसे होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ये हमारा पहले कॉस का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे हम टू ले देते हैं हो गया। तो फिर हम इसी फॉर्मूले से और दो टू फॉर्मूला डिराइव करते हैं, चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। कॉस टू ए इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है, तो कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब यहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ये कैसे होगा, हमने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, और साइन स्क्वायर ए अगर इस साइड आएगा तो कॉस स्क्वायर ए अगर इस साइड आएगा तो साइन स्क्वायर ए इस साइड जाएगा, तो यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे जाने से कौन सा साइन होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो ऐसे यहाँ पे लिख दिए हम वन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस फिर साइन स्क्वायर ए जो हमें गिवन दिया है यहाँ पे। तो फिर कैसे होगा, कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस दो टू साइन स्क्वायर ए हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर ए टू साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा और एक फॉर्मूला, तो इसको हम टू ए के बेसिस में लेते हैं। फिर और एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, और एक फॉर्मूला ये इसी फॉर्मूले से डिराइव करते हैं, देखिए कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है। अभी हम कॉस स्क्वायर ए का आइडेंटिटी में इस फॉर्म में निकाले, अभी हम साइन स्क्वायर ए का
इस फॉर्म में निकालेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का कैसे होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a होगा, तो लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a हो गया। तो फिर यहाँ पे cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस 1 हो गया, और माइनस माइनस कितना होता है प्लस cos स्क्वायर a हो गया। तो फिर यहाँ पे कैसे होगा cos 2a इक्वल टू cos square a माइनस 1। तो फिर ये एक हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम कौन सा लेंगे, 2a दिए हैं तो इसको हम b दे देते हैं, हो गया। फॉर्मूला हमने अभी कितना पढ़ा, चार का फॉर्मूला पढ़ा, तो उसको पहले हमें लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद हम नंबर सारा कर सकते हैं। तो चलिए हम और एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट करते हैं साइन 2a से। साइन 2a को हम 10 के हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला क्या था पहले, साइन 2a का फॉर्मूला था 2 साइन a इंटू कॉस ए था। तो इसको हम लिख देते हैं 2 साइन a इंटू कॉस ए बाय कॉस ए इंटू कॉस ए। तो आपको पता ही होगा हम किसी भी नंबर में अगर सेम नंबर डिवाइड करेंगे और इंटू करेंगे तो सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे के 4 बाय अगर यहाँ पे 1 इंटू फिर 1 के, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो सेम ही आया ना। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको भी लिख दिए हैं। तो ये जो दिया है 2 साइन ए और बाय कॉस ए इक्वल टू कितना होगा, 2 साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू कितना होता है, 10 ए होता है। तो 2 10 ए होगा, यहाँ पे 10 ए इंटू यहाँ पे क्या दिया है कॉस ए, और यहाँ पे भी एक कॉस ए है, तो दोनों इंटू होके कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, हो गया। फिर 2 10 ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दिया है, तो इसको सेक के फॉर्मूला में लिखेंगे तो कैसे होगा, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। और sec स्क्वायर ए मतलब हमें पता है, sec स्क्वायर ए मतलब है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, हमें ये पता है। तो यहाँ पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए पुट कर देंगे, तो 2 tan a इंटू 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे ये ऊपर इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो कितना होगा 2 टेन ए, 1 के साथ जो भी नंबर इंटू होता है तो वो सेम ही होता है, हमें पता है। और नीचे ये वाला हो जाएगा डिनोमिनेटर जो है, सॉरी 1 पहले होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला फिर निकलेगा, किसका फॉर्मूला, ये साइन 2a का। तो इसको हम 1a लेते हैं, हो गया। तो हमारे अगले के वीडियो में हम कुछ प्रूफ करेंगे, वो भी देख लेना आप लोग, तो पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब के लिए बाय बाय।